बार बिहार का दौरा कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता, बिहार के नौजवानों को विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि बिहार के लोगों को पता है कि ये जुमलाबाजी करते हैं। आज वो दरभंगा आ रहे हैं, दरभंगा के एम्स के निर्माण की उन्होंने घोषणा की थी। प्रधानमंत्री जी, आप दरभंगा आ रहे हैं तो जरा उस एम्स का निरीक्षण भी कर लीजिएगा जिसके निर्माण की आपने घोषणा की थी। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाजी करती रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धर्म और भ्रम की राजनीति करती रही है, बिहार की जनता अब उसको पसंद नहीं करती है। बिहार की जनता 17 महीने के श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के कार्यकाल पर जितना विश्वास और जितना समर्थन दे रही है, उसके कारण भाजपा और NDA के खेमे में बेचैनी और बखलाहट है। लगातार प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं, लगातार केंद्रीय मंत्री बिहार आ रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री का बिहार का दौरा हो रहा, लेकिन उसके बावजूद भी इनके चुनावी सभाओं में भीड़ नहीं देखी जा रही है। ये लदुआ भीड़ के सहारे जनता और जनता के बीच में भ्रम फैलाना चाहते हैं। पहले 2 चरण के मतदान में NDA को बड़ी बढ़त मिल चुकी है, 3रे चरण में यह बढ़त और मजबूत हो जाएगी, फिर अगले 2 चरण में NDA को निर्णायक बढ़त मिल जाएगी और अंतिम 2 चरण मतलब 6ठे और 7वें में NDA 400 पार का लक्ष्य हासिल कर लेगा। इसलिए भाजपा सहित NDA के सभी दलों के शीर्ष नेता धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री जी आज 3 बजे दरभंगा में जनसभा को संबोधित करेंगे। PM मोदी की जनसभा में रिकॉर्ड भीड़ जुट रही है। हर सभा में PM मोदी घमंडिया गठबंधन की पोल खोल रहे हैं। PM मोदी विपक्षी नेताओं की असलियत बता रहे हैं। PM मोदी का 1 महीने में बिहार का यह 5वां दौरा है। बिहार के लिए PM मोदी का हर दौरा खास है। हर जनसभा में PM मोदी आम लोगों को अपने सही जनप्रति चुनने का मंत्र देते हैं, जनप्रति को जनता की उम्मीदों की कसौटी पर परखने का तरीका बताते हैं। आज दरभंगा की धरती से PM मोदी हुंकार भरते हुए जयनाद करेंगे। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।